हेलो, वेलकम टू माय चैनल के एंड एम एजुकेटर्स क्लास। तो एलसीएम और एचसीएफ, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको आज उन कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है एक चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या फिर चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो ये इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में, और दोनों को करने का प्रोसेस तो एक ही है, पर लास्ट में कुछ स्टेप अलग होते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सा स्टेप करना है। सपोज करो, मैं अब दो क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक बिगेस्ट नंबर के लिए या एक स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, ठीक है। अगर देखिए, जैसे बिगेस्ट नंबर क्या होता है हमारा, फोर डिजिट का 9999, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है हमारा, फोर डिजिट का, ठीक है। क्लियर ये बात आपको? अब इसमें पूछ लेगा आपको चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो जैसे मान लो कोई भी संख्या, जैसे 3, 5, 18 है, ये मान लीजिए, चलिए 3, 5, 18 से पूरी तरीके से विभाजित होती हो, तो चार अंकों की, और इस तरह से पूछ लेगा चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 5, 18 से पूरी तरह विभाजित होती हो। 3, 15, 18 कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ आपको, पहले बात करते हैं हम चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 15, 18 से पूरी तरीके से विभाजित होती हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, 3, 15, 18 है हमारा, तो सबसे पहले काम क्या है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई करते चलिए जब तक कट ना जाए। तो 18, 5, 19 होते हैं, मैंने कितने होते हैं 19 से तीनों संख्या कट जाएंगी, 3 भी कट जाएगी, 15 भी कट जाएगी, 18 भी कट जाएगी, तो एलसीएम कितना होगा, 18। अब उसके बाद क्या है, हमारी चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 19 का हमने डिवाइड किया किसमें, 4 बार 9 लिख लिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, 19 से काटेंगे, 99 को कितनी बार जाएगा, एक बार, तो कितने बचेगा 90, फिर 9 फिर एक बार हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 9 बचेगा, फिर एक बार चला जाएगा, तो हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, जब हम काटेंगे 9 बच जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 9। अब हमारे तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से डायरेक्ट क्या माइनस कर देते हैं, 9 माइनस कर देते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, क्या माइनस कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है आप लोगों के, अगर बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात करता है तो जो जिसमें हमने भाग दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से डायरेक्ट क्या माइनस कर देंगे, रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। मगर स्मॉलेस्ट के लिए ये केस अलग हो जाता है थोड़ा, तो समझिए क्यों अलग हो जाता है, क्या चीज़ अलग हो जाती है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बात होगी, क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब यही बात अगर छोटी से छोटी संख्या के लिए करें और यही संख्या दे दे हमारा 3, 15, 18, तो एलसीएम तो इसका कितना आएगा, 19। प्रोसेस वही है हमारा, 19 का डिवाइड किस में करेंगे, छोटी से छोटी संख्या में, 1, 2, 3, ठीक है। 1 बार जाएगा पहले हमारा, 90 बार, कितने बचेंगे हमारे 10, फिर 0 उतार लेंगे, 1 बार और चला जाएगा, कितने बचेंगे हमारे 10 बच जाएंगे, तो 10 रिमाइंडर बच गया। उसमें क्या करते थे हम, बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें से क्या माइनस करते थे, डायरेक्ट रिमाइंडर, पर इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, इसमें पहले हमें क्या करना है, छोटी छोटी संख्या के लिए जिससे हमने भाग दिया है, 90 जो एलसीएम आया उसमें से पहले रिमाइंडर माइनस करो, उसमें से पहले क्या माइनस करो, रिमाइंडर, तो 19 में से हमारे 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 80 बचेंगे, कितने बचेंगे 80, और उस 80 को कहाँ ऐड करना है आपको, इस वाली संख्या में, किस में ऐड करना है, इस वाली संख्या में, 1080 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, उसमें क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए इसमें से जिसमें भाग दिया उसमें से डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जिस जो हमारा एलसीएम आया उसमें से पहले रिमाइंडर माइनस करो, फिर उसको किसमें जोड़ दो, जो छोटी से छोटी संख्या है हमारी। क्लियर हो गई होगी आप, आई होप। ऐसा इसलिए क्यों करते हैं, तो समझिए, अगर हम डायरेक्ट इसमें से छोटी संख्या के लिए डायरेक्ट 1000 में से 10 माइनस करते तो हमारा कितना हो जाता, 990 हो जाता, कितना हो जाता, 990 हो जाता, जैसे हमने बड़ी से बड़ी संख्या में किया, अगर इसमें भी ऐसा कर देते तो 1000 में से 10 माइनस करते तो क्या हो जाता, 990 हो जाता। अब 990 हो गया, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 990 चार अंकों की संख्या है, ये बताइए आप मुझे, 990 अगर आ भी गया आंसर तो 990 के चार अंकों की संख्या है, नहीं, 990 तो आपकी कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, इसलिए इसमें हम ऐसा करते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपके समझ में आई होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।